दरगाह यूसुफैन के मामलात पिछले 6-7 साल से वक्फ बोर्ड के जेर इंतजाम हैं। साबिका मुतवल्ली फैसल अली शाह को इसी बहाने से बरतरफ किया गया था कि उनके इंतजामात में धांधलियां हो रही थी। अब जबकि दरगाह के हुंडी वक्फ बोर्ड के तहवील में है, एक अंदाजे के मुताबिक दरगाह यूसुफैन से माहाना तकरीबन 5-6 लाख रुपए की वसूली हो रही है और इन 6-7 साल में करोड़ों रुपए की आमदनी हो चुकी है। फिर चंद तामीराती व तरक्याती काम वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम व दीगर अहले खैर हजरात के ताउन से हुई हैं, लेकिन आज भी दरगाह के वजू खाने, बैतुल खला व तहारत खाने खस्ता हाली का शिकार हैं। खवातीन के लिए तो ये सहूलियात बिल्कुल ना के बराबर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरगाह यूसुफैन से मौसूल करोड़ों रुपया आखिर गया कहाँ। हालांकि केसीआर एक सेक्युलर और दरगाहों के अकीदामंद सीएम हैं और वक्तन फवक्तन अपनी अकीदत का इजहार भी किया करते हैं और खानगाहों की तरक्की के काम भी करवाते हैं। क्या वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान सीएम केसीआर को बदनाम करने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। आज दरगाह यूसुफैन शरफैन का दौरा करें, अल्लाह के करम से यहाँ पर चादर गुल पेश की गई सरकार के रोजे में, और मस्जिद के लिए भी जो ना बढ़ाने के लिए यहाँ पर मस्जिद मुसल्लियों के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। रोड तक जमात जारी बोल के यहाँ के महल्ले के लोगों का भी कंप्लेंट है, ऑब्जेक्शन है, तो लिहाजा जो है जगह भी है पीछे, तो वही हिसाब से जो है ना हम बोर्ड में रख के इंशाल्लाह ताला ये महीने में बोर्ड की मीटिंग रहेंगी। ये इलेक्शन पोर्टेबल के बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, ये इलेक्शन कोर्ट हटते इमीडिएट बोर्ड मीटिंग रहेंगी ये महीने के अंदर। बोर्ड में रख के इंशाल्लाह मस्जिद को बढ़ाने का 100% काम करेंगे पूरे बोर्ड के मेम्बरों से और इत्तेफाक की राय लेके इंशाल्लाह ताला इसको एक्सटेंड करेंगे, बड़ी करेंगे मस्जिद, और अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ पर कम से कम 500 आदमी तो इमीडिएट पड़े वैसा जो है ना इंतज़ाम करेंगे मस्जिद में, क्योंकि दरगाह शरीफ पूरे हैदराबाद की शान है हमारे, और अल्लाह के करम से सेंटर में है पूरे हैदराबाद के, और कई लोग आके यहाँ से फ़ायदा हासिल करते, और अल्लाह के करम से वजू खानों का भी कुछ प्रॉब्लम था वो भी देखे, और जो 50 साल से जो है ना वजू खाने जो गेट से एंट्री लेते ही हैं उसको भी जो है ना तोड़ के अच्छे तरीके से नए बनाने का ये तो काम इमीडिएट शुरू करेंगे। एक ये बोर्ड मीटिंग में रख के हम लोग बजट पास करके अल्लाह चाहे तो जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम इसको बोर्ड में रख के जो है ना अल्लाह के करम से यहाँ के जो भी खामियां हैं उसको दूर करने का पूरा काम करेंगे, और यहाँ पर जो भी बेहरमती हो रही इन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि बेहरमती नहीं होना चाहिए, खबरों पर भी बेहरमती नहीं होना है और दरगाह शरीफ में भी नहीं होना है। जहरीन से भी मेरी अपील है, आवाम से भी अपील है कि आप लोग आइए, जहरत करिए, सीधा अपने घर को रवाना हो जाइए, यहाँ पर बैठ कर जो है ना गंदगी साफ सफाई को डिस्टर्ब मत करिए। दरगाह शरीफ बहुत इत्तेराम से आने का है, यहाँ पर नमाजों की भी पाबंदी करिए, नमाज का भी यहाँ पर है, मस्जिद भी है, दरगाह शरीफ भी है, नमाज पढ़िए, दरगाह पे फूल चढ़ाइए, अपना घर रवाना हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर जो है ना सब तमाशे जो है ना कई लोग जो है ना अच्छे लोग भी इस पर पीछे जा रहे हैं, ऐसे वैसे लोग आके यहाँ पर फालतू काम कर रहे बोल के कंप्लेंट है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस में भी एक कंप्लेंट करेंगे, यहाँ पर गलत काम ले होना है, दरगाह का एहतराम करो बस, यहाँ पर एहतराम करे तो अल्लाह में आप लोगों के घरों का भी एहतराम करेंगे, अल्लाह में आपके घरों में भी बच्चे बच्चे सब अच्छे रहेंगे। दरगाह में बेहरमती हुई तो बिल्कुल इसकी लत रहती है इसकी, आप लोग समझिए, मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर एहतराम करिए बस, दरगाह शरीफ का बोर्ड मीटिंग के बाद दरगाह में जो है अच्छी खासी आमदनी है आपको दरगाह से, उसके बावजूद आप लोग जो है हाउस का काम, बाथरूमों का काम जीएचएमसी की मदद से बनाए, डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेके 6 साल हो गया, मान अगर मिनिमम से मिनिमम 6 लाख रुपए आमदनी लगाए तो 43 करोड़ की आमदनी हुई, हुकूमत की तरफ से 20 लाख रुपए का जो है इनॉग्रेशन आप परसों करके गए, आपके एमएलसी फंड से याद होगा आपको कि आपके एमएलसी फंड से भी यहाँ पे रकमत लगाए गए, तो केसीआर साहब जो है हर चीज डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको बदनामी का टोकरा दिया जा रहा है और जहाँ से आमदनी आ रही है वो चीज डेवलप क्यों नहीं की जा रही है? नहीं नहीं नहीं, कौन दे रहे बदनामी का टोकरा, कोई भी व्हाट्सएप पे डाल रहे होंगे तो उसका मतलब नहीं, हम तो हर तरीके से
पंचायत वक्त के हिसाब से चलना बोल के हम सबको हिदायत कर रहे हैं। नहीं साहब, डेवलपमेंट नहीं हो रहा ना। पेशाब खाने आपको देखे तारा, अपने वजू खाने बराबर नहीं है, जराने के यहाँ से वजू खाने नहीं है। बरसों से जो है, बरसों से वजू खाने का प्रॉब्लम है, अभी तक ठीक नहीं हुआ उसका। पीने का पानी तक नहीं है सब दरगाह, सब चला देंगे अभी। पीने के पानी का समझे आप, वाटर कूलर भी लगा देंगे यहाँ पर। और फालतू लोग अभी दरगाह शरीफ में नहीं आना है, ज्यारत करने वाले आना और नमाज पढ़ने वाले आना। ऐसे वैसे लोग आके यहाँ पर धंधे पानियाँ नहीं कर सकते। दरगाह का एहतराम करो, मैं भी बोला ना। और ये अंदर जगह में हुआ, उन लोगों को अल्टरनेट जगह देने का है बोल के ये करे, और वो इंशाल्लाह ताला हटाएंगे। हम तो हटाओ बोल के बोल रहे हैं, हमारे ऑफिसर भी लगे हुए, पर इंशाल्लाह वो एक दिन होता हो, मैं जाने से पहले होता हो इंशाल्लाह बना देंगे। जीएचएमसी वाले आगे बढ़ के करे होंगे एक अलग बात है, मगर वक्फ बोर्ड में पैसा भी है, वक्फ बोर्ड से कराएंगे काम, इमीडिएट कराएंगे अभी।